नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा ट्रैक्टर सीरीज के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आया हूँ महिंद्रा का एक बहुत ही कमाल का वेरिएंट जो कि है महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 1 555 DI। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इस ट्रैक्टर के सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे 1 to 1, कौन सा इंजन है, कितने हॉर्स पावर का है, सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे 1 to 1। सो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी दबा लो ताकि इस तरह की वीडियो आप फ्यूचर में देख सको। सो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन से। तो दोस्तों इसमें आपको 4 सिलेंडर का 52 HP का इंजन मिल जाता है जो अपनी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 2100 rated RPM पे। इसका जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो है 3054 CC का आपको इंजन मिल जाता है जो काफ़ी ज़्यादा है अपने श्रेणी में। और अब दोस्तों बात करें इस ट्रैक्टर के डिज़ाइन के बारे में तो काफ़ी मस्कुलर, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आप देख सकते हैं पूरा मस्कुलर डिज़ाइन ट्रैक्टर का दे रखा है। यहाँ पे महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 1 555 DI का यहाँ पे बैजिंग दे रखा है, लोगो लगे हुए हैं और यहाँ पे DLX का मतलब यहाँ पे डिलक्स। इसकी जो पूरी ड्राइवर कंफर्टेबिलिटी को बढ़ाया गया है, मतलब वैसे जो हमारे महिंद्रा के जो अब तक के मॉडल आपने देखे थे उनमें आपने जो गियरबॉक्स देखा था वो सेंट्रल वाला देखा था, लेकिन इसमें खासियत क्या है कि ये जो मॉडल बनाया गया है स्पेसिफिकली ड्राइवर सेंटर्ड है और ड्राइवर के सेफ्टी को, कंफर्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। तो इसके जो गियरबॉक्स है वो आपको साइड शिफ्ट में देखने को मिलेगा। सो अगर आप दोस्तों बात करते हैं इस ट्रैक्टर के सबसे पहले टायर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे जो फ्रंट टायर्स मिल जाते हैं वो 750/16 के मिल जाते हैं देखने के लिए, जो काफ़ी बड़े टायर्स हैं। और पीछे के जो टायर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं 16/9, 14/9, 28 के। इसमें 16/9 का भी ऑप्शन है, आप ले सकते हैं 16/9 के भी टायर, ठीक है। और देखें अगर यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा डिज़ाइन जो है यहाँ पे पूरा बहुत ही ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाया गया, ट्रैक्टर को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे देखने में। और जैसे ये डिपर आप देख सकते हैं और यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों ट्रैक्टर के ब्रेक्स के बारे में तो इसमें आपको ऑयल इमर्ज्ड मल्टी डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं देखने के लिए। और यहाँ पे ये आपका हाइड्रोलिक फिल्टर है, आप लोग देख सकते हैं, और ये आपको डीजल फिल्टर दे रखा है। तो दोस्तों अब मैं बात करूँ ट्रैक्टर के पावर स्टेयरिंग के बारे में तो इसमें आप पावर स्टेयरिंग दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर डुअल एक्टिंग बैलेंस्ड पावर स्टेयरिंग मिल जाता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि डुअल एक्टिंग है, ये दोनों तरफ इसकी जो रॉड होती है वो चलती है, तो ये जो आगे की स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है डबल एक्टिंग होने की वजह से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की तरफ। इसका जो साइलेंसर है वो देख सकते हैं काफ़ी स्पोर्टी से बनाया गया है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इस ट्रैक्टर के फ्रंट के बारे में तो सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। नीचे जो इसका जो फ्रंट एक्सल है आप लोग देख सकते हैं पूरा एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल आपको मिल जाता है, मतलब आप अपने सुविधा के हिसाब से इस एक्सल को आगे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, इसकी जो है विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के जो हेडलाइट्स का सेटअप दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा H4 सीरीज की पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको हेडलाइट्स मिल जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इसकी जो विजिबिलिटी है बहुत ज़्यादा होती है नाइट में। यहाँ पर महिंद्रा का लोगो दे रखा है। और अब चलते हैं दूसरी साइड की तरफ ट्रैक्टर के, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सिंको मैस, आपको पार्शियली सिंको मैस गियरबॉक्स मिल जाता है और यहाँ पे डबल डीजल फिल्टर दे रखे हैं, पेपर बेस और क्लॉथ बेस आप लोग देख सकते हैं। और ये आपका टूल बॉक्स हो गया, यहाँ पे दे रखा है सेल्फ और रेडिएटर दे रखा है। और अब मैं दोस्तों अगर बात करूँ ट्रैक्टर के क्लच के बारे में तो इसमें आपको 280 mm का डायफ्राम का क्लच मिल जाता है जो कि सेरेमेटिक के साथ आता है, मतलब इस क्लच का जो लाइफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि जो सीमेंट की कोटिंग होती है क्लच प्लेट पे, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। और अब मैं बात करूँ दोस्तों ट्रैक्टर के गियरबॉक्स के बारे में तो इसमें आपको पार्शियली सिंक्रोमैस गियरबॉक्स मिल जाता है जो 8+2 के साथ आता है, 8 स्पीड आपको मिल जाती है फॉरवर्ड के लिए और 2 स्पीड आपको मिल जाती है बैकवर्ड के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं इस ट्रैक्टर के ड्राइवर सीट पर बैठ कर के कुछ इस तरीके का लुक आपको दिखाई देता है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ऊंचाई है सेक्टर की, जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऊपर बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं जैसे हाथी पे बैठे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो डैशबोर्ड है पूरा सेमी डिजिटल डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर मीटर बैटरी के लिए और RPM मीटर दे रखा है, उधर आपका फ्यूल मीटर दे रखा है और ये आपका पूरा लाइट का सेटअप दे रखा है, तो इस तरीके से आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेडलाइट्स का सेटअप है और ये आपका जो वर्किंग लाइट है पीछे की जो लाइट है वो ऑन ऑफ करने के लिए आपको दे रखा है। और इधर आपका जो है टर्न इंडिकेटर के लिए दे रखा है, इधर हॉर्न हो गया, ये आपका चाबी यहाँ पे लगती है और यहाँ पे ये आपको स्टॉपर दे रखा है और यहाँ पे आपको ये चाबी से यहाँ पे ओपन होता है, इसमें डिग्गी दे रखी है, इसमें आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट भी दे रखा है, इसमें पूरा बंद हो जाएगा आपका मोबाइल गिरने वगैरह का कोई भी टेंशन इसमें नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इस साइड में, आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये आपको 1, 2, 3, 4 मतलब 4 स्पीड जो आपकी फॉरवर्ड मिल जाती है और 1 स्पीड आपको रिवर्स में मिल जाती है, मतलब टोटल जो स्पीड हमें मिलती है इसमें 8+2 की मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 8 स्पीड फॉरवर्ड और 2 स्पीड आपको बैकवर्ड मिल जाती है। और इधर आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ऑक्सिलरी वाल्व को कंट्रोल करने के लिए लीवर दे रखा है,
पीछे अगर आप जैसे हाइड्रोलिक ट्रॉली चलाते हैं या कोई प्लाव वगैरह चलाते हैं तो इसको इससे आप ऑपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल के लीवर दे रखे हैं। जैसे कभी आप कल्टीवेटर पे या फिर हैरो पे चलाते हैं तो इससे आप गहराई और ऊंचाई वगैरह सेट कर सकते हैं इन दोनों लीवरों की मदद से। मतलब ADDC टाइप का पूरा लिफ्टोमेटिक आपको मिल जाता है। अब देखते हैं दोस्तों इस साइड में आपको क्या क्या मिलता है। इस साइड में आपको यहाँ पे लो हाई का यहाँ पे लीवर दे रखा है, दो स्पीड आपको, वही मैंने आपको बताई थी, दो स्पीड आपको मिल जाती है बैक के लिए, तो लो हाई की स्पीड है, और 8 स्पीड आपको मिल जाती है फॉरवर्ड के लिए। बात करें दोस्तों इसके, यहाँ पे ये PTO का लीवर दे रखा है, इसमें आपको 540 चक्कर प्रोड्यूस होते हैं 2100 रेटेड RPM पे। फॉरवर्ड PTO, रिवर्स PTO का ऑप्शन भी आपको इसमें दे रखा है। दोस्तों अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बैक साइड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बैक साइड में सबसे ज़्यादा जो मेन अट्रैक्शन मुझे लगता है इस ट्रैक्टर का, वो है इसके जो डिपर हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बनाए गए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्टर दे रखा है, यहाँ पे वर्किंग लाइट हो गई। और यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या लगती है मुझे, यहाँ पे कंपनी फिटेड डबल ऑक्सिलरी वॉल्व दे रखे हैं। वहाँ पे जैसे ऑक्सिलरी रिवर दे रखा था, यहाँ पे ऑक्सिलरी वॉल्व के आपको रिमोट वॉल्व दे रखे हैं जो कंपनी फिटेड आपको मिल जाते हैं। दोस्तों बात करें इस ट्रैक्टर के लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो इसमें आप इससे ट्रैक्टर से आप 18 क्विंटल तक वजन उठा सकते हैं, मतलब 1800 kg का लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको मिल जाता है। और अब बात करें दोस्तों इसके PTO के बारे में, तो उसका जो PTO HP है वो 44.9 HP का PTO आपको मिल जाता है। आप इससे कोई भी इंप्लीमेंट, चाहे रोटावेटर हो या कोई भी जैसे स्टोर रीपर वगैरह हो, वो आराम से आप इससे चला सकते हैं। और इसका जो फ्रंट एक्सल, बैक एक्सल है, वो आपको पूरा स्ट्रेट एक्सल मिल जाता है, जिसको हम लोग प्लेनेटरी ड्राइव भी बोलते हैं। ये जो एक्सल होते हैं इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। इस ट्रैक्टर का जो ड्राइवर कंफर्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखी गई। इसका जो प्लेटफॉर्म वो काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है। और इसमें पूरी, यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे गेयरबॉक्स को यहाँ पे प्लेटों से कवर किया गया है, जिससे कि मतलब पैर वगैरह रखें तो इसमें घिसाई वगैरह ना हो। साथ में यहाँ पे कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे मैटें मिल जाती हैं, तो उधर भी मैट, पूरी पूरा जो प्लेटफॉर्म वो मैट पे मैट लगा हुआ है, तो आप पूरा देख सकते हैं। और जो ड्राइवर सीट है वो भी आपको अपने हाइट और वेट के हिसाब से आगे पीछे ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे चढ़ने के लिए काफ़ी बड़ा, मतलब ये फुट स्टेप दे रखा है, इस पर पैर रखे आप ड्राइवर सीट तक पहुँच सकते हैं। सो दोस्तों ये था महिंद्रा 555 DI का वीडियो। सो अगर आपको कोई भी सवाल रह गया हो, कोई भी चीज़ पूछनी इस ट्रैक्टर के बारे में, दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस ट्रैक्टर के प्राइस के बारे में, तो उसका जो एक्सोरूम प्राइस है वो लगभग मैं आपको बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख के आसपास है। बाकी स्टेट वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आप अपने नज़दीकी डीलरशिप पे जाकर के, यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे तिरुपति ट्रैक्टर्स बिसौली में आकर के आप किसी भी मॉडल्स की जानकारी ले सकते हैं। सारे के सारे मॉडल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और आप चाहें तो मैं पर्सनली भैया का नंबर आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनसे बात करके किसी मॉडल की जानकारी ले सकते हैं। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।